हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। लास्ट मैच जब अहमदाबाद में हुआ था तो यहाँ पे जो है टोटल 18 विकेट गिरे थे। दोनों इनिंग में जो है 9-9 विकेट गिरा था, जिसमें से एक रन आउट था और 17 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर ने लिया था, जहाँ पे एक बॉलर ने 5 लिया था, एक बॉलर ने जो है 4 लिया था, एक बॉलर ने 4 लिया था, और इसके अलावा जो 4 बॉलर थे उन्होंने एक एक विकेट जो है वो लिया था। तो किस तरीके का सीनरी देखने को मिला कि स्पिनर को एक भी विकेट जो हो नहीं मिला था, आखिर बॉलिंग पिच जो था वो किस तरीके से डिफाइन कर रहा था। और देखोगे तो वहाँ पे जो है मैसेज 170 के ऊपर रन था और वो जो है डिफेंड भी हो गया सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ। तो कैसा सीनरी जो है आपको देखने को मिला था उसको हम लोग जो है डिटेल्स में चर्चा करेंगे अहमदाबाद पे, और साथ में भी देखेंगे कि जो अभी का विकेट मिलेगा वो किस तरीके का मिल सकता है क्वालिफायर 2 के लिए, यानी कि जो क्वालिफायर का मैसेज होगा वो कैसा सीनरी जो है आपको देखने को मिल सकता है, क्या सीनरी जो है रहने वाला है। तो वीडियो को जो है पूरा देखना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते हो कि विनर सेशन इन टीम में बहुत ही अच्छे से आप प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर जुड़ जाना है। साथ में आप कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और टीम इलेवन के लिए आप स्क्वाडिंग इलेवन पर जुड़ जाना, यहाँ पर जो आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब सबसे पहले अगर हम पिच की बात करते हैं तो पिच जो है ट्रेडिशनली देखोगे तो काफ़ी लंबा पिच है, मतलब बड़ा जो है ग्राउंड देखने को मिलता है, बैटिंग फ्रेंडली जो है वो आपको पीछे जो है देखने को मिलता है, और हमने कई सारे मौक़ों पर यहाँ पर देखा है कि अच्छा खासा जो है वो हाई स्कोरिंग मैचेज होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, एक दो मैचेज हमने पिछले 7 मैचेज में से ऐसा भी देखा है कि जो कि थोड़ा सा एक लोअर स्कोरिंग मैचेज जो हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं अगर हम भाई यहाँ पे पिच की, तो काफ़ी अच्छा जो है बाउंस आता है, काफ़ी क्लियर बाउंस रहता है, और स्ट्रोक्स प्ले के लिए जो है काफ़ी बढ़िया जो है आपको यहाँ पे ग्राउंड देखने को मिलता है। और रात के यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैसेज भी देखोगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो रन बने हैं, बैट्समैन ने जो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर सीनरी जो है वो हासिल किया है। लेकिन लास्ट मैच जो था वो एक अलग ही तरह का मैच था, क्योंकि लास्ट मैच में 170+174 के आसपास जो है वो रन बना था शायद, और गुजरात जो है उस रन को डिफेंड कर लिया था हैदराबाद के खिलाफ, और ऐसा ही नहीं था उस मैच में एक भी विकेट स्पिनर को नहीं मिला। तो ऐसा जो है वो क्या था कि स्पिनर को नहीं मिला? विकेट पे हमने देखा कि देखो विकेट में स्लोनेस जो है वो जरूर आया था, पिचेज में जो है ना शुरुआत में जो है वो अच्छा खासा स्विंग देखने को मिला, जिसके बदलत आप देखोगे कि जो भी ओपनिंग बॉलर था उसको जो है अच्छा खासा विकेट जो है वहाँ पर मिला। उसके बाद से हमने ये भी देखा कि जब भी डेथ ओवर आया तो वहाँ भी जो है ना एक जो रिवर्स स्विंग टाइप का बॉलिंग होता है वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव कर रहा था वहाँ पे विकेट को, और खासकर जो पेस में वेरिएशन लेके आ रहे हो उनके लिए काफ़ी अच्छा जो है मदद मिल रहा था इस ग्राउंड पर, और काफ़ी बढ़िया जो है विकेट उनको इस ग्राउंड पर मिला। इसके अलावा अगर हम स्पिनर की बात करते हैं तो स्पिनर का जो पेस था अगर स्लो पेस आ रहा था तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा था, फास्ट पेस भी आ रहा था तो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा था, और स्पिनर को जो हमने देखा था कि वहाँ पर जो है रन जो है वो लगा था। अब किस तरीके का जो है ये मैचेज हो सकता है उसको जो लास्ट मैच था सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि कैसा पिच हो सकता है। सबसे पहले देखो पिच जो है वो फ्रेश रहने वाला है, उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो लास्ट मैच था 174 बोला था मैं, 188 रन बना था, और 154 जो है आपको यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद बनाया था, 34 रन से गुजरात जीत गया। जहाँ देखो 17 जो है विकेट फास्ट बॉलर को मिला था, जिसमें से आप देख सकते हो भुवनेश्वर को 5 मिला था, मार्को जेनसन को जो है 1 मिला था, फारूकी को 1 मिला था, और यहाँ पे जो थे टी नटराजन को जो है ये फारूकी होगा टी नटराजन को 1 मिला था। इसके अलावा गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में देखोगे तो शमी को जो है वो 4 मिला था, मोहित शर्मा को 4 मिला था, और यश दयाल को जो है 1 मिला था। अब इसमें से कोई भी जो आपको स्पिन बॉलर जो है नहीं दिखाई देगा जिसको जो है विकेट मिला हो। अब जो ये मैच होने वाला है इस मैच का आपको ये ध्यान रखना है कि इस मैच में जो पिच मिलेगा वो मिलेगा सबसे पहले कि आपको जो है एक फ्रेश पिच मिलेगा। अब फ्रेश पिच मिलेगा तो कैसा कंडीशन रहता है फ्रेश पिच पे? देखो फ्रेश पिच पे सबसे पहले पीछे जो है ना वो 2 से 3 दिन पहले तैयार हो चुकी होंगी, और पीछे जो है ना वो क्या होगा ढाका होगा। अब जब पीछे 2-3 दिन पहले तैयार हो जाए ढाका रहता है तो उस पर पीछे में क्या रहता है नमी रहता है। अब जब नमी रहता है तो नमी के कारण क्या होता है कि शुरुआत में जब बैटिंग कोई भी करने आएगा तो बॉल में स्विंग बहुत बढ़िया से मिलेगा, और जब बहुत ही बढ़िया स्विंग मिलेगा तो चांसेस बहुत ही हाईली रहेगा कि इक्का दुक्का विकेट जो है वो बैट्समैन को आउट करके जाएगा। अब जब आउट करके जाए तो शुरुआत में क्या करना है कि जो भी फास्ट बॉलर्स हैं जो कि ओपनिंग बॉलिंग करते हैं दोनों टीमों से, और जब टॉस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन बॉलिंग कर रहा है, तो उसके हिसाब से जो है आपको उस बॉलर पर रिस्क ले सकते हो, और ख़ासकर ऐसा बॉलर मिल जाए कि जो कि शुरुआत में बॉलिंग कर रहा है और डेथ ओवर में भी कर रहा है, तो उसके लिए जो है वो सोना चांदी वाला जो है वो कीमत लगेगा कि दोनों सिनेरियो में जो है वो एक अच्छा विकेट दिला सकता है। अब मिडिल ओवर में जो है वो किस तरीके से हमें जो है प्रेफरेंस देना है, तो सबसे पहले मिडिल ओवर की बात करते हैं। तो मिडिल ओवर में देखोगे तो स्पिनर इंपैक्टफुल होगा कि नहीं होगा, कि लास्ट मैच की तरह जो है वो निकल जाएगा नल, तो इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि सबसे पहले जब मैचेस यहाँ पे स्टार्ट होने लगे तो ये चीज़ का ध्यान रख लेना कि कोई जो भी जो है टॉस करने आ रहा है या जो भी पीच रिपोर्ट बताने आ रहा है क्या वो इस चीज़ का जो है ध्यान रख रहा है कि हाँ यहाँ पे ड्यू आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो चांसेस कम रहेगा कि स्पिनर को जो है विकेट यहाँ पे मिल सकता है एक अच्छा खासा विकेट, और अगर नहीं आएगा तो चांसेस बहुत ही हाईली रहेगा कि ये स्पिनर जो है काफ़ी इंपैक्टफुल होने वाला है।
अब बैट्समैन की बात करते हैं तो बैट्समैन में देखो शुरुआत में जब स्विंग ज़्यादा होगा, अगर पिचेज जो है उस तरीके की रहेगी कि स्विंग ज़्यादा होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे जो शुरुआत के एक दो बैट्समैन है उनको ड्रॉप कर दिया जाए और उसके बाद से जो है 3, 4, 5 नंबर के जो बैट्समैन है उनको पिक करके चला जाए, कोशिश करने में जो है मदद मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नज़र आता है कि स्विंग अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है या नहीं होगा, तो वैसे सीनियर में हम लोग जो ओपनर्स है उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे एज़ कम्पेयर टू जो मिडिल ऑर्डर है उस पर, क्योंकि जो हमने देखा है अहमदाबाद में जो ओपनर्स है वो काफ़ी अच्छा रन जो है यहाँ पर बनाते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे विकेट जो है थोड़ा सा गिरना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है सीनरी मेरे हिसाब से रहने वाला है। आप अपना जो है सीनरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हो विनर सेशन एंट्री के लिए। अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। साथ में आप कॉल पर डिस्कस करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो और ड्रीम इलेवन क्लब और स्क्वाडिंग इलेवन जुड़ सकते हो जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो सबसे वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।